हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं MDYPG कॉलेज अकबरपुर बिलरियागंज आजमगढ़। हेलो दोस्तों, MDYPG कॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे BSc थर्ड ईयर बॉटनी का फर्स्ट पेपर, जो है इकोनॉमिक बॉटनी। और इकोनॉमिक बॉटनी के फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है कुछ सीरियल्स हैं जिसको आपको पढ़ना है, मतलब कुछ अनाज के पौधे हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो चलिए आइए हम सबसे पहला सीरियल्स देखते हैं, कौन सा सीरियल्स है जो आपको पढ़ना है। तो उस सीरियल्स का नाम है राइस। राइस के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है देख लेते हैं, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो राइस है उसका बोटेनिकल नेम है, राइस का बोटेनिकल नेम ओराइजा सैटिवा, ओराइजा सैटिवा, ये इसका बोटेनिकल नेम है। मतलब ये देखिए इसका जीनस नेम है और ये जो है स्पेसीज नेम है। और इसकी जो फैमिली है यानी कि राइस की फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी। फैमिली ऑफ राइस इज पोएसी। द एडिबल पार्ट ऑफ राइस, दैट मीन्स व्हाट इज द एडिबल पार्ट ऑफ राइस। एडिबल पार्ट, यू नो दैट एडिबल पार्ट ऑफ राइस इज ग्रेन। आपको पता है कि जो राइस का एडिबल पार्ट होता है ग्रेन, यानी कि उसके दाने खाए जाते हैं। अब आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि ये कहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है और कैसे उगाया जाता है और इसका कौन सा पार्ट यूज किया जाता है। तो चलिए पॉइंट वाइज आप देखते रहिए। पॉइंट फर्स्ट है, राइस इज द प्रिंसिपल फूड, राइस इज द प्रिंसिपल फूड, प्रिंसिपल फूड क्रॉप इन, क्रॉप इन द वर्ल्ड। राइस इज द प्रिंसिपल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स द राइस इज कल्टिवेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Cultivated or not cultivated, but is the food of all over the world. That means, in the case of food, the rice are uses all over the world. Next point, major portion of the crop. Major portion of the crop, major portion of the crop are grown in, are grown in, are grown in China. आप इसे नोट करते जाइए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको नोट करना ही पड़ेगा। नोट करके एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कॉपी पर, आपको याद हो जाएगा। चाइना, इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, जापान, तो ये मेन कंट्री है जिसमें चावल का उत्पादन किया जाता है और एक आध कंट्री है जिसमें चावल का उत्पादन
होता है, जैसे आइसलैंड है वहाँ पर भी चावल का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन इंडिया राइस कल्टीवेटेड in India rice cultivated since very ancient time तो जितने पॉइंट अभी मैंने दिए हैं वो आप नोट कर लीजिए, कुछ और पॉइंट हैं उन्हें भी नोट करिए। राइस इज ग्रोन ऑल स्टेट ऑफ कंट्री, इट मीन्स ऑल स्टेट हैज राइस कल्टिवेशंस आर टेक्स प्लेस, मतलब भारत के जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में राइस का कल्टिवेशन किया जाता है। एक बार पॉइंट फिर से देख लीजिए, राइस इज प्रिंसिपल फूड क्रॉप इन वर्ल्ड, यानी जो राइस है वह एक प्रिंसिपल फूड है विश्व भर के लिए, यह एक मुख्य भोजन का स्रोत है। मेजर पोर्शन ऑफ क्रॉप आर ग्रोन इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, जापान, ETC। देखिए वैसे तो बहुत सारे कंट्री में चावल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन इसका है, जो कंट्री उत्पादन करते हैं वो कंट्री हैं चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान, जापान, ये मुख्य चार कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चावल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद फिर है, इन इंडिया राइस कल्टीवेटेड सिंस वेरी एंशियंट टाइम, यानी कि भारत में भी बहुत पुराने समय से चावल का कल्टीवेशन किया जाता है, निधान का कल्टीवेशन किया जाता है। और फिर है, राइस इज ग्रोन ऑल स्टेट ऑफ कंट्री, यानी कि देश के लगभग सभी स्टेट में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राइस बिलोंग टू द जीनस ओराइजा, ओराइजा। जो राइस क्रॉप है यह ओराइजा जीनस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, ओराइजा इंक्लूड 23 स्पेसीज, यानी कि ओराइजा जो जीनस है इसके अंदर 23 स्पेसीज होती हैं। इट बिलोंग टू फैमिली पोएसी, यहाँ पर अभी आपने देखा था, इट बिलोंग टू फैमिली पोएसी, यह पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज एनुअल हर्ब, बहुत आसान बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। It is annual herb.
ये जो राइस का प्लांट होता है यह एक एनुअल हर्ब है, यानी कि हर्बेसियस प्लांट होता है और एक ही सीजन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो इसे कहते हैं एनुअल हर्ब। फैक्टर अफेक्टिंग टू राइस नेक्स्ट पॉइंट है। फैक्टर अफेक्टिंग टू राइस प्रोडक्शन, टू राइस प्रोडक्शन। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो राइस के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो है टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो राइस के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। वंस अगेन लुक हियर ऑन द बोर्ड, राइस बिलोंग टू द जीनस ओराइजा, दैट मींस द जीनस ऑफ राइस इज ओराइजा। यू कैन से हियर ओराइजा सैटिवा। ओराइजा इंक्लूड 23 स्पीसीज, यानी कि ओराइजा जो है वो 23 स्पीसीज को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट है इट बिलोंग टू फैमिली पोएसी, यानी कि पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। इट इज़ एनुअल हर्ब, यह एक सीजन में लाइफ साइकिल जिसकी कंप्लीट हो जाती है, यह एक एनुअल हर्ब है। फैक्टर अफेक्टिंग टू राइस प्रोडक्शन, यानी कि राइस के प्रोडक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो दो फैक्टर हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो इतना आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए जितने भी पॉइंट हैं और फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द क्रॉप ग्रोन अंडर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है राइस ग्रो इन इंडियन स्टेट। राइस ग्रो इन इंडियन स्टेट, दैट इज जो इंडियन स्टेट हैं जहाँ पर राइस ग्रो होता है, दैट इज अब वो कौन कौन से स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, एंड उत्तर प्रदेश। तो जो राइस है वो ग्रो करता है मुख्य रूप से भारत के किस किस प्रदेश में, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है राइस हैज ए हाई रिक्वायरमेंट, ऑफ वाटर। यू नो दैट द हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर द क्रॉप इज
राइस, यानी कि जो राइस है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर वाटर नहीं है तो राइस का प्रोडक्शन पूरी तरह से घट जाता है। कुछ वैरायटी हैं जिसमें कम वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन मैक्सिमम वैरायटीज हैं जिसमें वाटर की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट है, द ग्रेन ऑब्टेन आफ्टर द ग्रेन ऑब्टेन आफ्टर थ्रेसिंग इज नोन एज rough rice rough rice or paddy। फिर से एक बार देख लीजिए, द क्रॉप ग्रोन अंडर हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर। जो क्रॉप होता है ये राइस, इसे ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, राइस ग्रोन इन इंडियन स्टेट, यानी कि राइस जो है वो इंडियन स्टेट में कहाँ कहाँ ग्रो करता है, दैट इज वेस्ट बंगाल, दूसरा है बिहार और तीसरा है उत्तर प्रदेश। और फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, राइस हैज़ ए हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, यानी जो चावल होता है, जो राइस की खेती होती है, इसका कल्टीवेशन होता है, इसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर है, द ग्रेन ऑब्टेन आफ्टर थ्रेसिंग इज नोन एज रफ राइस, यानी कि थ्रेसिंग के बाद जो ग्रेन उत्पन्न होता है उसका नाम होता है रफ राइस, जिसे आप धान भी कह सकते हैं। और ये जो है रफ राइस के अलावा इसको पैडी यानी कि धान भी कहते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और चलते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट है, पैडी इज क्लीन्ड एंड ड्राइड इन सन। पैडी इज क्लीन्ड एंड ड्राइड इन सन। पैडी इज क्लीन्ड एंड ड्राइड इन सन, दैट मीन्स जब पैडी को थ्रेसिंग कर लिया जाता है तो फिर इसके बाद क्लीन किया जाता है, यानी कुछ उसमें जो है पैडी के स्ट्रा भी आ जाते हैं, तो उन स्ट्रा को हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उसको निकाला जाता है और फिर राइस को सन में ड्राइड कर दिया जाता है। तो ड्राइड का मतलब उसको अगर ड्राइड नहीं किया जाएगा तो राइस जो है ख़राब होने का चांस रहता है। फिर नेक्स्ट है, सेलिंग इज डन सेलिंग इज डन आफ्टर रिमूविंग आफ्टर रिमूविंग द हस्क आफ्टर रिमूविंग द हस्क सेलिंग इज डन, यानी सेलिंग तब होती है जब इसके हस्क को रिमूव कर लिया जाता है, तब इसकी सेलिंग की जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर आपने देखा जो
बिलोंग करते थे, मिलते थे कि कैसे ये कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है और कैसे इसको मतलब थ्रेसिंग किया जाता है और कैसे इसको ड्राई किया जाता है और फिर इसकी सेलिंग के लिए क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि चावल का यूज क्या होता है, यानी कि यूज ऑफ राइस। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लीजिए, राइस का यूज, यानी कि यूज ऑफ राइस, या केवल लिख लीजिए यूज। तो दोस्तों जो यूज में फर्स्ट इसका है वो है राइस इज द मेन फूड फॉर डेली लाइफ। राइस इज द मेन फूड फॉर डेली लाइफ, दैट मीन्स द राइस ऑलरेडी यूज डे पर डे, मतलब प्रतिदिन हम भोजन के रूप में राइस यूज करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका यूज है। फिर देखिए, राइस इज आल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग द एल्कोहलिक बेवरेजेज। देखिए ये भी राइस का एक यूज है, डेली फूड के रूप में तो हम लेते ही हैं, जो एल्कोहलिक बेवरेज हैं उनके प्रिपरेशन के लिए भी राइस का यूज किया जाता है, यानी कि जो एल्कोहलिक बेवरेज हैं, जो एल्कोहलिक पेय हैं, उनका जो फार्मेशन प्रिपरेशन किया जाता है उसके लिए भी हम चावल का ही यूज करते हैं, और कई सीरियल्स का यूज करते हैं तो उसमें चावल का भी यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टार्च एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टार्च भी रिमूव किया जाता है राइस से, यह भी एक राइस का यूज है। तो नेक्स्ट है राइस हस्क इज यूज एज फ्यूल। राइस हस्क इज यूज्ड फॉर फ्यूल। जो राइस हस्क होता है उसका यूज हम फ्यूल के रूप में भी करते हैं, शायद आपके घर पे भी यूज किया जाता हो राइस का जो हस्क है उसे फ्यूल के रूप में। तो नेक्स्ट है और आखिरी एक्स्ट्रा ऑफ फैटी जो पैडी का एक्स्ट्रा होता है यूज एज फोडर फॉर कैटल कैटल के लिए ये फोडर के रूप में भी यूज किया जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है पैडी का। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको ये राइस क्या है और इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है और इसका यूज क्या है ये आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं एक फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।